ये है कलम बोली जाने वाली बस। आज इधर बस स्टॉप ना पूरा इधर खाली है, अभी आएंगे क्योंकि सुबह का टाइम है ना। कलम बोली रोड पाली इधर जाती, इधर से बस है। यह स्टेशन मानसरोवर स्टेशन, हम आए थे दोनों मंदिर, तो मैंने बोला थोड़ा इधर भी जाते हैं, इधर का व्यू भी दिखाते हैं आप। वाह वेरी फाइन। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करें खूबसूरत शहर मुंबई से। टाइम हो रहा है सुबह का, कितना हो रहा है टाइम, 10:30 ऐसे कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं नाश्ता बनाया। साढ़े दस पौने ग्यारह ऐसे कुछ हो रहा था। अभी मंदिर आए थे हम, ये स्टेशन मानसरोवर स्टेशन, तो मैंने बोला ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से आई भी नहीं मैं इधर, और टाइम भी नहीं लगता है। मंदिर तो आती है, भाई ये जगह आने का टाइम नहीं लगता। ये है बिल्डिंग है, ये स्टेशन के ठीक बाद जो है, इसके आगे से जो थोड़ा सा ब्लू कलर का दिख रहा है, वो है स्टेशन मानसरोवर स्टेशन, यानी कि। तो मैंने बोला थोड़ा यहाँ का व्यू भी दिखा देती हूँ आपको, और यहाँ से आज ब्लॉग की शुरुआत भी कर देती हूँ। हरियाली जहाँ देखो वहाँ हरियाली, इतना अच्छा लग रहा है ना। बोले रोड पाले जाने वाली बस है, ये बस स्टॉप है। इधर से मैं आगे दिखा, बादल देखो ना ऊपर आसमान, कितने घने काले बादल लगे हैं। ये है अपना कामोटा शहर है, जिधर हम रहते हैं वो है। इधर हरियाली देखो, जिधर देखो हरियाली, इतना अच्छा लग रहा है ना, आपको पूरा दिखाते मैं इधर। तो पीछे ये बिल्डिंग के आगे, ये झाड़ी के पीछे जो ये झाड़ियाँ दिख रही ना, इधर है ये खाड़ी, खाड़ी यानी कि समुद्र का आधा पानी इधर भी आता है। यहाँ पर ना गन्ने का जूस वाला होगा ना, तो इसने अभी बंद करके रखा है। और इधर से आगे पहले ना, हाँ इधर से आगे ये साइड में पहले ना बस स्टॉप था, वो सामने पे थोड़ा सा दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, वो थोड़ा सा दिख रहा है ना, मेरी उंगली कहाँ गई, नहीं दिख रही मेरी उंगली, हाँ वहाँ पर ही वो बस स्टॉप है। लेकिन वहाँ से जो आगे वो पत्रा लगे ना, वहाँ से आगे जाने के लिए था, जिधर वो बिल्डिंग है उधर जाने के लिए, वहाँ से घूम के आती थी बस ऐसे करके इधर को। इधर अब बिल्डिंगें बन गई ना, तो अभी इधर बंद कर दिया, क्योंकि अभी जब ये बिल्डिंगें बन जाएगी ना, तो उधर से रोड तो पहले से ही बनी है, तो ये खुल जाएगा। अब जब तक बिल्डिंग बन रही है ना, तब तक इधर के लिए ना रोड बंद करा है। तो इधर फोर व्हीलर लगी है, क्योंकि अंदर की साइड में टू व्हीलर के लिए है, तो इधर सब फोर व्हीलर लगी है। हरियाली कितनी अच्छी है, ये तालाब देखो इधर, वाह बसंत ऋतु का कमाल है। इधर देखो ये पूरी पार्किंग लगाई है, लेकिन ये गाड़ी निकालने कैसे, बिल्डर ने स्टेशन पर जिधर पार्किंग था ना उधर पूरा बंद कर दिया, उधर बिल्डिंग बन गई, तो पार्किंग देखो कैसे लगाई, बाप रे बाप, उधर भी ऐसे वही हाल है। ये देखो ये छत्ता लगाया, पता नहीं किस चीज़ का लगा है, ये गन्ने जूस वाला रहता है, वो भी नहीं आया। इधर से आगे जूसगांव जाने के लिए रोड, अब इधर से जाते हैं हम आगे, खुशी आगे आगे जा रही, क्योंकि उसको भूख लग गई है। वो स्कूल से आए ना सुबह, तो उसने रोटी खा ली थी, लेकिन वो सुबह खाई थी उसने 6 बजे, उसको लग गई जोर की भूख, तो वह आगे आगे भाग रही है। अब इधर से जाते हैं हम पैदल, जाने दे, सोते तोते उड़ गए, ठीक है चलो जाते। मैसूर मसाला आ गया फटाफट का, मेरे को घर भी जाना है। दोपहर का 1 बज गया, प्रैक्ट आते आते मंदिर से आते वक्त हम पैदल आए, तो नीलकंठ में नाश्ता भी किया, कुछ ने बोला भूख लग गई, घर जाते जाते भी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए नीलकंठ में नाश्ता भी किया, भाजी वूजी लेके भी आई, तो काम भी बहुत ज़्यादा था। तो स्टेशन से घर आते आते इतना टाइम हुआ कि 1 बज गया, तो चलो आ गए अपने प्यारे से किचन में, बनाती हूँ दोपहर का लंच। परवेज भी आ गया है स्कूल से, तो मैं फटाफट बनाती हूँ खाना, उसी ने तो खा लिया, मेरा भी हो गया। तो बस का बज चुका है 3, और बच्चे भी ट्यूशन चले गए, खाना वाना खा गया ट्यूशन चले गए, क्योंकि दोनों का सेम टाइम है, तो सेम टाइम पे वो आएंगे भी। मैंने बोला रिक्शे में जाओ, क्योंकि बाहर अचानक ज़ोरदार बारिश लग गई, तो मैंने बोला मैं स्कूटी लेके आ भी नहीं सकती हूँ। मैं सुबह से उठी तो मेरे को भी थकान लगी, मैं भी थोड़ा सोती हूँ, आराम करती हूँ, और एडिटिंग भी आज मैं लेट ही करूँगी, तो आज भी 6 या 7 बजे मेरा वीडियो आएगा, तो ज़रूर देखना।